Good morning, students. As in last lecture we were talking about anthers, right? हमने anthers के बारे में start किया था. तो आज हम anthers के बारे में details में देखते हैं कि उसका structure किस तरीके से होता है और कहाँ पे हमारा जो main gamete है उसका development होता है. ठीक है. तो anther के diagram के लिए मैंने आपको बताया था कि particularly हमारा क्या था. एंथर एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर था जिसको हमारा क्या फिलामेंट के सपोर्ट में हम देख रहे थे. तो अगर हम इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखें, हमने इतने पार्ट को देखे क्योंकि ये पार्ट है एंथर का, बाकी हमारा क्या है फिलामेंट पार्ट है. फिलामेंट पार्ट में कहीं कहीं भी मेल गैमेट का पार्टिसिपेशन नहीं है. तो हम इसी को अगर हम देखें तो ये बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, राइट. So this is the bilobed structure. This is first lobe and this is second lobe. ठीक है. तो ये lobe one है और ये lobe two है. ये दोनों lobe आपस में differentiate होते हैं बीच में एक tissue से, जिसे हम क्या कहते हैं connective tissue. तो ये जो हमारी connective tissue है, ये connective tissue क्या करती है, इन दोनों को एक दूसरे से differentiate करती है. ठीक है. तो ये हमारे क्या हो गई कनेक्टिव, राइट. तो इसको हम क्या नाम देते हैं कनेक्टिव. और हर एक लोब में हमारे क्या होते हैं दो पोलन सैक्स होते हैं. ठीक है. आप इन्हें ईदर वी कैन से देम पोलन सैक्स और क्या कह सकते हैं कि ये हमारे क्या होती है स्पोरोजेनस टिश्यूज होती हैं जो बाद में मैच्योर होके हमारे क्या पॉलन सैक्स बनाती हैं, जिसमें हमारे पॉलन ग्रेन्स का हमारा क्या होता है डेवलपमेंट. और पॉलन ही हमारा क्या होता है मेल गैमेट वाला पार्ट है. तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे ये पॉलन सैक्स का डेवलपमेंट. तो एक लोब में हमारे कितने पॉलन होंगे दो लोब. ठीक है. तो यहां से जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर से पोलन सैक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारी बनाती है क्या एंथर की वॉल. ठीक है. तो ये हमारी क्या होती है एंथर की वॉल होती है और ये कंप्राइज होती है हमारे डिफरेंट टाइप के सेल्स की, जैसे पेरेन्काइमेटिक सेल्स हैं या फिर हमारे क्या स्क्लेरेन्काइमेटिक पोलन सेल्स या वास्कुलर बंडल्स हैं और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है, ये सारे मिलके हमारे क्या करती हैं अलग अलग एंथर की वॉल बनाती हैं. एंथर की वॉल हमारा बेसिकली इनका वर्क जो होता है ये हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होता है. मैं इसके बाद आपको एक टेबल बना के सारे के सारे डिटेल्स उसमें दे दूँ. ठीक है. तो अगर हम एंथर वॉल की बात करते हैं तो एंथर वॉल जो है वो कंप्राइज होती है हमारी चार पार्ट्स की, राइट. तो सबसे पहले जो आउटर कवरिंग, जो सबसे बाहर वाला पार्ट है, इस बाहर वाले पार्ट पे हमारा काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का, प्लस डिफ्यूजन जो होगा गैस का, एयर का या फिर जो भी पार्टिकल्स हैं उनका, वो प्रोवाइड करने के लिए हमारी जो सबसे आउटर लेयर होती है वो हमारी फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर और फ्लैट डिस्क सेल्स से बनी होती है. ठीक है. तो ये फ्लैट डिस्क हमारी क्या बनाती है एपिडर्मिस. ठीक है. तो ये फ्लैट डिस्क हमारी बनाती है एपिडर्मिस, जिसका काम होता है प्रोटेक्शन. उसके अलावा हमारा क्या जो भी डिफ्यूजन होना है या फिर हमारा जितना भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन होना है सेल के अंदर, वो सारा का सारा हमारा कौन एपिडर्मिस हमारा कंट्रोल करती है. अंडर टू एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अगर हम अंदर को आए तो अगली जो लेयर है उसका नाम होता है एंडोथीसियम. ठीक है. एंडोथीसियम, एंडोथीसियम हमारी जो लेयर है ये भी हमारी ग्राउंड सेल्स की बनी होंगी यहाँ पर इससे इनर पार्ट पे. ठीक है. और इन सेल्स में हमारी क्या होती है कैलोज थिकनिंग होती है. उसमें हमारी क्या होती है कैलोज थिकनिंग होती है.
ये कैलोम्स जो है इसका काम होता है हमारा क्या, कॉम्पैक्टिबिलिटी बना के रखना, यानी कि चीजों को एक साथ अलाइन करके रखना ताकि वो इजीली सेपरेटेबल ना हो, ठीक है। और एंडोथीसियम की एक और हमारी जो खासियत है वो क्या है कि वेन इट गेट मेच्योर, कैलोस थिकनिंग हमारी इसमें होती है जो हमारा क्या करता है, इसको कॉम्पैक्टिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये हमारा काफी ज्यादा हमारा कॉम्पैक्ट रहता है, ठीक है। और जैसे जैसे मेच्योरिटी हमारे सेल को मेच्योरिटी मिलती रहेगी तो क्या होगा, ये हमारा जो कॉम्पैक्टिबिलिटी है वो हमारी ब्रेक करेगी, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे एक पर्टिकुलर फिनोमिना हमारा आकर करता है जिसे हम क्या कहते हैं, डेहिसेंस। डेहिसेंस यानी कि रप्चरिंग ऑफ सेल, राइट। सो हमारा क्या होगा कि ये कैलोस थिकनिंग और एंडोथीसियम जो है, एंडोथीसियम हमारा कैलोस थिकनिंग प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा जब हमारी मेच्योरिटी हो जाएगी तो मेच्योरिटी के टाइम पे एंडोथीसियम पे हमारा क्या होगा, लिग्निन और अल्फा सेलुलोज का अमाउंट काफी ज्यादा होता है, यानी कि ये हमारा एज ए स्टोरेज यूनिट भी काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा क्या है कि लिग्निन हमारा क्या करता है, थिकनिंग प्रोवाइड करता है। तो हमारे जो एंथर है उसको थिकनिंग प्रोवाइड करने का काम भी हमारा किसका है, एंडोथीसियम, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है जो थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर हमारी जो आती है उसे हम कहते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर हमारी पैरेन्काइमेटिक सेल्स की हमारी दो या तीन लेयर्स होती हैं, जो बेसिकली हमारा क्या कर रही है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है किसको, हमारे जो इनर पार्ट में स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं उनको किसके साथ, बाहर के अलाइन वॉल के साथ। तो मिडिल लेयर पे हमारी क्या होगी, सेल्स की 2 to 3 layers, यानी कि अगर मैं इस तरीके से डायग्राम बना रहा हूं तो ये दोनों की दोनों जो लेयर हैं ये दोनों एक साथ मिलके हमारा क्या बना रही है, मिडिल लेयर, ठीक है। और मिडिल लेयर के बाद हमारे जो लास्ट लेयर यहाँ पे हमारी होती है वो होती है कौन सी, द मोस्ट इंपोर्टेंट, टेपिड। देखिए टेपिडम जो है, टेपिडम हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लेयर्स है इन चारों लेयर्स में, क्यों, क्योंकि टेपिडम जो है ये हमारे क्या होता है, मल्टी न्यूक्लियेट, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं इनके पास, यानी कि हमारा क्या एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। तो इसके अलावा, न्यूक्लियस होने के अलावा क्या है, यहाँ पे जो डिवीजन है डीएनए जो है, डीएनए का जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा रैपिडली हमारा क्या करता है, डिवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारा क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी हमारा काफी ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारा क्या टैपेटम है, टैपेटम में हमारा मल्टी न्यूक्लियर होने की वजह से राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज और बाकी कंटेंट जो है वो एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल्स हमारा ज्यादा होता है। तो होगा क्या, ये टैपेटम हमारा जो अंदर स्पोरोजेनस टिश्यूज में, हमारे पोलन सैक्स में जो पर्टिकुलर हमारी सेल्स हैं उन सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो एज अ रिजल्ट टैपेटम के हमारे क्या होंगे, काफी ज्यादा फंक्शंस होंगे। तो मेन फंक्शन जो है, पहला फंक्शन जो टैपेटम का है पहला फंक्शन हमारा है टू स्पोरोजेनस सेल्स। दूसरा फंक्शन हमारा जो होगा वो होगा यूबीस बॉडी, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ यूबीस बॉडी, राइट। क्योंकि हमारा क्या होता है, टैपेटम एक पर्टिकुलर केमिकल रिलीज करता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोपोलेनिन। तो स्पोरोपोलेनिन की हमारी क्या है खासियत कि ये हमारे क्या मोस्ट रेजिस्टेंस केमिकल्स में से एक है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, पॉलेंस को काफी ज्यादा लंबे टाइम के लिए रख सकते हैं। यानी कि जैसे फॉसिल्स है, फॉसिल्स को हम क्यों यूज करते हैं, अगर हम जहां पे एविडेंसेस की बात कर रहे थे, ठीक है, इवोल्यूशन में, तो हम क्या देख रहे थे, काफी ज्यादा पुराने टाइम की जो चीजें हैं उनको हमने कंजर्व कैसे कर रखा है। तो यहाँ पे पॉलन को कंजर्व करने के लिए इसके पास ऑटोमेटिकली एक केमिकल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोपोलेनिन, राइट। तो इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ यूबीस बॉडीज, थर्ड।
पॉलन के। आप कभी किसी खेत में या फिर किसी पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल एरिया में गए होंगे, तो आप जब धीरे से अगर हाथ भी मापते हुए अगर आप पौधों पे जाते हो तो आपके हाथ पे एक येलोइश पाउडरी लाइक मटेरियल लग जाता है, राइट। तो वो हमारा क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलन किट। तो ये पॉलन किट का फॉर्मेशन भी किसकी हेल्प से होता है, टैपेटम की हेल्प से होता है। तो ये हमारी डिटेल्स थी किसकी, एंथर के स्ट्रक्चर की, यानी कि जो एंथर वॉल है वो चार चीजों की बनी होती है, एपिडर्मिस जो हमारे फ्लैट सेल्स होती है, एंडोथीसियम जो हमारा क्या सेल कैलोस थिकनिंग अपने पास रखता है, ठीक है, मिडिल लेयर, और चौथा हमारा टैपेटम। तो टैपेटम के एक और जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, इट सीक्रेट्स एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स का सीक्रेशन करता है, जैसे कि कैलेज। अब जो कैलोज है, कैलोज हमारा क्या था कि थिकनिंग के लिए था, वैसे ही हमारा जो एंजाइम है कैलेज, कैलेज क्या करता है, कैलेज हमारा कैलोज को ब्रेक करने का काम करेगा। तो ये सीक्रेट करेगा कैलेज, और कैलेज यहाँ पे जो अंदर हमारे सेल्स है, स्पोरोजेनस सेल्स है, ये हमारा स्ट्रक्चर जो बनाती है टेट्राड स्ट्रक्चर। टेट्राड यानी कि चार सेल एक साथ अलाइन होगी, तो उन सेल्स को सेपरेट करने के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम चीज जिसे हम क्या कहते हैं, कैलेज। तो कैलेज का काम हमारा कौन करेगा, टैपेटम, ठीक है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे तो दो एंथर्स के बीच में एक पर्टिकुलर एरिया है, ये एरिया जहां पे हमारा क्या मेजोरिटी होने पे रप्चरिंग ऑफ सेल्स यानी कि डेहिसेंस जो है, डेहिसेंस हमारा अकर करेगा, डेहिसेंस यानी कि रप्चरिंग जो होगी सेल की कहां पर शुरू होगी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या कहते हैं, स्टोमियम, ठीक है। ये पर्टिकुलर एरिया हमारा क्या कहलाता है, स्टोमियम। और जिस पॉइंट से, अगर ये पॉइंट है या फिर ये पॉइंट है, जिस पॉइंट से हमारा क्या है सेल की रप्चरिंग हो रही है, इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ डेहिसेंस, राइट, पॉइंट ऑफ डेहिसेंस, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर जो है इसको आप देखिए, अगर मैं अभी इस तरीके से इसको दिखा रहा हूं, ठीक है, ये हमारा क्या है पॉलन के। तो अगर मैं इस डायग्राम को इस तरीके से देखें, ठीक है, इसी डायग्राम में अगर मैं क्या करता हूं, इसमें फिलामेंटस पार्ट भी बता लेता हूं, तो ये हमारा फ्लावर का अपर पार्ट है, ठीक है। तो यहां पर से नीचे से इस तरीके से फिलामेंट वाला पार्ट आएगा, है ना। तो ये पर्टिकुलर फ्लावर का इस तरीके से पार्ट है, तो इस पार्ट में हमारा क्या होगा, ये पर्टिकुलर साइड है जहां पर से हमारा क्या होगा, मैच्योरिटी होने पे ये पर्टिकुलर चीज हमारी ब्रेक करेगी, ठीक है। यानी कि ये जो सेल्स है ये जब मैच्योर हो जाएंगी और मैच्योर होके पॉलन बना देंगी, तो ये पर्टिकुलर जो साइड है पॉइंट ऑफ डेहिसेंस, यहीं से हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर टूटेगा। बाकी जगह से क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि हमारा क्या है टैपेटम, टैपेटम पे हमारा क्या है स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट केमिकल है, तो वो हमारा इतनी इजीली ब्रेक नहीं होता। तो ये जो पॉइंट ऑफ डेहिसेंस है वहां पे से ही हमारा क्या होगा, इस एंथर का हमारा रिलीज, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इस लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही जानेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इन चारों की डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। So thank you for watching this video. Please like and subscribe for further notifications.